बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीठी टिक्कियां बनाएंगे। उसके लिए मैंने प्लेन फ्लावर लिया है 1 कप, हाफ कप मैंने शुगर ली है, 1/4 कप मैंने दूध का लिया है, नीम गर्म दूध है, तिल मैंने लिए हैं 1 टेबल स्पून, 1/4 कप मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, सूजी मैंने 2 टेबल स्पून ली है, 2.5 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। अब मैं आटा गूंद लूंगी। अच्छी तरह से हल हो गई है। मैं इसे बैठ के रखूंगी। प्लेन फ्लावर में मैं तेल डाल दूंगी, कोकोनट पाउडर, बेकिंग पाउडर पहले मिक्स कर देंगे। हम इसमें घी डाल देंगे, अच्छी तरह से साफ कर देंगे, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं सारे डाल दूंगी इसमें, डाल के अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए भून लूंगी। शुगर मैंने दूध में मिक्स की थी, वो वाला दूध है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनूंगी अच्छी तरह। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रखूंगी, कवर करके इसको 15 मिनट के लिए रखूंगी। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको बेल लूंगी, मोटा मोटा सा बेलना है, इतना बारीक नहीं बेलना। हम इसको काट लूंगी इस तरह। नेक्स्ट मैं उठा लूंगी, इस तरह से सारी मैं बेल के रख लूंगी। सारी टिक्कियां मैंने बना ली हैं। अब मैं इसको फ्राई करूंगी, उठा उठा के ऑयल में डाल दूंगी। ऑयल मेरा गर्म है। अब इसको मैं मीडियम पे कर दूंगी, करके फिर इसको फ्राई करूंगी मीडियम पे, गोल्डन फ्राई होने, गोल्डन होने तक। 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको टर्न करूंगी, देखें एक साइड से ये हो गई है, अब दूसरी साइड से भी इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए करूंगी। 2 मिनट, 2 से 3 मिनट के बाद मिलते हैं। चिकन निकालूंगी, अब इसी तरह से बाकी भी मैं बना लूंगी। मेरी मीठी टिक्कियां रेडी हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआओं में याद रखिए, बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।